Hello, good morning guys. Welcome back to my YouTube channel. So guys, सो के उठ गए, नींद इतने भी पुराने हुए तो ये वापस होने जाऊँ, मुझे फोन नहीं आ रहा। बट अभी आप बच गए ऑलरेडी, तो मुझे रेडी होते होते टाइम हो ही जाएंगे। रात इतना थक गया था मैं कि मुझे कुछ खाना खाया डायरेक्टली सो गया। अदरवाइज बहुत देर तक मैं लूडो खेल के बैठती हूँ या फिर ये क्या होते हैं, सो ही सुनती हूँ मैं या बहुत सारी चीज़ करके बैठती हूँ मैं ऐसा ही। बट कल बहुत ज़्यादा नींद लग गया था तो मैंने जल्दी जल्दी सो गया था। गाइस अभी तो मैं फिलहाल उठ गया हूँ, मैंने नोटिस नहीं किया, ये मेरे हस्बैंड आए थे उन्होंने ये फ्रूटी लेके आया था और ये फ्रूटी भी पूरा खा ली है सारे पी लिया खुद और यहाँ खाली रखा। और मैगी लेके आया था एक पैकेट, मैगी बचा के रखा मेरे लिए और एक पैकेट खुद खा लिया। लेकिन अभी ऑफकोर्स ओके होता है तो मेरा बैग कैसे है, तो मैं सबसे पहले तो मैं खुद फ्रेश अप करूँगी, फेस वॉश करूँगी, ब्रश करूँगी, देन उसके बाद कॉफ़ी पीऊँगा, उसके बाद ये सब कप होंगे और बल के लिए करने जा रहा। देखिए और गाइस मैं आप लोगों को मेरे बल के लिए करने जा रहा इसलिए दिखाते रहता हूँ क्योंकि ये बिस्तर से यहाँ तक मुझे बहुत लग्जरियस फील करते हैं। दिन हो या रात बहुत अच्छे लगते हैं और इतना ठंडा हवा आता है, विंड ब्लो करते हैं बहुत फ्रेश। देखने में ये सारे कचरा और गंदा लग रहा होगा बट बहुत चील हवा आता है, बहुत ठंडा। मुझे अभी तो थोड़े समय के लिए ऐसे भी लग रहा है जैसे कि अभी विंटर सीजन है और धूप की नींद से मुझे बहुत ठंडा हवा आ रहा है। आप देख सकते हैं मेरे बाल कैसे बहुत ग्रो हो रहे हैं, कैसे ये हो रहा है। नीचे को है बच्चों का प्ले ग्राउंड जिसमें मेरे बेटी का फेवरेट प्लेस। सो गाइस भले ही मेरा मूड पूरा होता है या नहीं होता है उसका फ़र्क नहीं पड़ता, जब मैं बालकनी में जाता हूँ इतना ठंडा हवा आता है, इतना ठंडा हवा आता है और मैं बहुत ज़्यादा फ्रेश फील करता हूँ, तब मेरे सारे मूड ख़त्म हो जाता है। अब मैं फ़ैन ऑफ करने वाला हूँ क्योंकि मुझे ऐसा बहुत ही ऐसा चिल हवा आ रही है तो मुझे फ़ैन की नेक्स नहीं है। थोड़ी देर में खड़ा किया तो नाक भी बन हो रही थी। लगता है मुझे आप पतला वाला स्वेटर पहनना पड़ेगा। चलो गाइस मैं मिलती हूँ थोड़ी देर में, मैं ब्रश करती हूँ, फेस वॉश करती हूँ, फिर मिलेंगे कॉफ़ी पीते। बाय। मैं रेडी हो गया, मैंने ब्रश जो भी कुछ फ्रेश अप वगैरह करना था, शावर लेना था, मैंने ले लिया। अब मैंने ब्रेकफास्ट भी कर लिया
और ब्रेकफास्ट में बनी थी रोटी एंड देन ऑमलेट में रोटी और ऑमलेट साथ में खाए, अच्छा था। बट मैं रोटी बहुत कम खाती हूँ, कोई अगर वो सॉफ्ट वाला रोटी देता है तो मैं खाती हूँ, अदरवाइज नहीं, या ऑप्शन नहीं होते तो। फाइनली गाइस मैं रेडी हो गई, अब मुझे ड्यूटी के लिए निकलना है। एंड देन मेरा जो छोटा वाला बैग था वॉश करने के लिए दिया, तो मुझे आज लैपटॉप लेके जाना पड़ेगा, लैपटॉप बैग के साथ। तो मैं वही चटनी खा रही थी उस रोटी और ऑमलेट के साथ, और ये ऑमलेट तक बिना सॉल्ट नो इंग्रेडिएंट्स। सो गाइस ये मेरा पैक पैक हो गया, अब मुझे निकलना है, बस 5 मिनट में निकलूँगी। तब तक मैं अपना स्पीकर और हेडफोन वगैरह और लैपटॉप ऑल आउट, लैपटॉप के चार्जर, ये अपना स्पीकर छोटा मिनी स्पीकर एंड हेडफोन ये रखना है संभाल के, और यहाँ पे भी चार्जर और हेडफोन पड़ा हुआ है, ऑल आउट भी पड़ा हुआ है। ये थोड़ा सा मुझे कपड़े जो मैंने ट्राई किया हुआ था, जैसे कि ये पहनना पहनने का प्लानिंग था लेकिन मैंने फिर चेंज कर दिया। एंड देन उसके अलावा थोड़ा सा बेड को क्लीन करूँगा, आपको पता होगा कि मैं क्लीनिंग का काम सबसे लास्ट में करती हूँ, जाने से पहले एक बार सेट करके रख देती हूँ, उसके बाद जाके मैं निकलती हूँ, तब से इस बार फील होता है कि नहीं अभी हुआ, नहीं तो क्लीनिंग करते ही मैं बैठ जाता हूँ और ये क्या बोलते हैं फिर वैसे ही कचर पचर रहता है। तो इसलिए मैं जाने से जस्ट 1-2 मिनट पहले मैं कर लेती हूँ। मेरा नाइट सूट का, नाइट ड्रेस का पैंट शॉर्ट्स है, ये हो गया। और ये मेरा स्वेटर ब्लैंकेट, ये मैं रात को उड़ती हूँ सोने से पहले, आई मीन सोते समय में, सोने से पहले तो उड़ते हैं। तो जब मैं यहाँ पे मम्मी होता था तब सारा काम वो खुद करती थी, अब मुझे अटेंड करना पड़ेगा सारा काम। चलो इतना लग्जरी फोन करने की ज़रूरत नहीं है, अकेला रहती हूँ मैं तो, बस ऐसे ही फोन कर लेती हूँ। ये पहनने का प्लान करेगा, बट मैंने एंड ऑफ द टाइम में माइंड चेंज करी। काफ़ी पुराना पिलो कवर है, जब मेरा बेबी बॉर्न हुआ था उसी टाइम पर लिया था मैंने स्माइल फेस के साथ, और वो बहुत पसंद करती है इस पिलो को, पिलो कवर को, और उस टाइम पर बहुत पसंद करती थी। अब तो क्या वो बड़ा हो गया तो उसको ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। सेटिंग का काम हो गया, आप कहेंगे ये कपड़े फोल्ड करके रखी थी, इसको आप अलमारी में रखती है। यहाँ पे मेरे सारे टी शर्ट्स हैं, टी शर्ट या शर्ट, और यहाँ पे जो इस टाइप के जितने स्वेटर्स वगैरह है यहाँ है, और ये सारे पैंट है, टी शर्ट है, और ये वन पीस, और ये निक्कर को यही रखूँगी। बाकी जो मेरा ये वाले है ड्रेस, इसको मैं यहाँ रखती हूँ। सो देखो जो इनर वियर रहते हैं ना, उसको हमेशा अलग जगह रखना चाहिए। आप लोगों को लग रहा होगा कि मैंने कितना मैश रखा हुआ है, लेकिन बट इट्स ओके,
ना डेकोरेट मैं नहीं करता, मुझे सिंपल रहना पसंद है। और ये मेरा टॉवल है जो इसको मैं यहीं पे रखूँगा क्योंकि यहाँ मैं मुझे इजीली मिल जाता है। तो गाइस मैं टॉवल को भी मिल गए और यहाँ पे फोल्ड करके रख दूँगी ताकि मुझे इवनिंग में इजीली मिल जाए। और मैं अपने गॉगल्स वगैरह को उठा के, जो मैगी वगैरह है, ऊपर का जो पर्स पड़ा है और चार्जर पड़ा है, और ये मेरा कबर भी इतना मैश दिख रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे सारे अनयूज़ चीज़ को रखता हूँ, जो भी मुझे यूज़ नहीं होती है वो चीज़ मैं यहाँ पर रखती हूँ। तो यहाँ पे मेरा कार्ड्स वगैरह पैड से एक भरा हुआ है, और इसके अलावा मैं गॉगल को इसके ऊपर में रख देता हूँ, ऊपर का ये कचरा को भी साफ़ कर देती हूँ। तो साफ़ कर दिया, और ये लैपटॉप का चार्जर को भी उतार लेती हूँ, तो क्योंकि ऑफिस में बार बार लैपटॉप बंद होने से अच्छा कि चार्जर ही साथ लेके चले। और ये चार्जर छोटा भी है, ऑफिस वाला जो लैपटॉप है उसके चार्जर बड़ा जैसे। और ये मेरा मेकअप का है, और ये मेरा चटनी है, ये मेरा रफ नोटबुक, और ये मेरा बिल है, और ये मेरा पानी का ग्लास। और ये दोनों को मैं किचन में रख देती हूँ अभी, क्योंकि कमरे में अच्छा नहीं लगता ना खाने पीने का चीज़ें को रखना। और इसको मैं फ्रिज में रख देता हूँ क्योंकि मुझे ये बहुत टेस्टी लगी थी। एंड उसके बाद फिर हमने रात को बियर पिया था थोड़ा सा, अभी इसको सोख के लिए रख देता हूँ क्योंकि अदरवाइज धोने के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, ऊपर से ये स्टील का बर्तन होता है। अभी सोख करने के लिए रख दिया, और अभी ये बर्तन साफ़ है तो साफ़ को साफ जगह में रख देते हैं। और ये हो गया है सारे काम, मैं चलती हूँ अपने कमरे। सो गाइस आप लोगों ने देखा, मैंने जो हल्का फुल्का मेरा जितना काम था मैंने कर लिया। कपड़े धोने को रह गए हैं, एक पैंट है उसको मैं आराम से धोऊंगा इवनिंग में वापस आके ड्यूटी से। बट एक चीज़ और है कि ड्यूटी से जब वापस आके काम करने का बिल्कुल मन नहीं करता, बहुत ज़्यादा थक जाता है। एंड जस्ट लेट के मैं कुछ स्टोरी सुनूँ या फिर म्यूज़िक सुनूँ, और थोड़ी देर 20 to 25 मिनट मुझे रेस्ट करना होता है, उसके बाद जाके मेरा माइंड में आता हूँ नो अब मैंने बहुत रेस्ट कर लिया, अब मुझे काम करना है। एंड देन डिनर प्रिपेयरिंग स्टार्ट हो जाता है, तो उसके बाद जो भी कुछ काम है वो कर लेते हैं। सो गाइस मैं अभी निकल रही हूँ, मेरा बैग पैक भी रेडी है, सब कुछ रेडी है, फिर 5 मिनट में निकलूँगा, 5 मिनट ब्रेक के बाद मिलते हैं। गाइस मैं अभी बज गए शाम के 5 बज गए, ड्यूटी में आए थे सुबह ही, जब मैंने अब सुबह ही आ गए थे, बट बहुत ज़्यादा बिजी था मैं, मतलब थोड़ा ब्रेक के लिए जा रहा हूँ मैं, इस वजह से मैं गैप कर दिया था। स्विमिंग पूल में लोग यहाँ पर कंपटीशन कर रहे थे, बहुत बोरिंग है, बहुत सुना सुना सब छुट्टी, मैक्सिमम हम लोग छुट्टी लेके रहता हुआ है, ऑफिस में बहुत कम है। अभी मेंटेनेंस का भी काम बहुत ज़्यादा चल रहा है, और बहुत ज़्यादा रेनोवेशंस भी चल रहा है, तो आई डोंट नो मुझे भी शायद छुट्टी लेना पड़ेगा कुछ दिन, तो देखते हैं क्या होता है। अगर कुछ दिन रेनोवेशन के लिए आई थिंक 1 वीक लग जाएगा, फिर मैं घर जा के आ जाऊँगा। सो गाइस मैं जा रही हूँ अभी ब्रेक पे, थोड़ी देर में मिलती हूँ, तब तक मैं दिखाती हूँ अपने यहाँ का नज़ारा।
पता लग ही गया होगा, आई मीन थोड़ा तो अंदाज़ा हो ही गया होगा कि मैं क्या काम करती हूँ और किस फील्ड में हूँ। चल देखते हैं, मैं ब्रेक करती हूँ, अभी बात करती हूँ आपसे। हेलो वेलकम। सो घर पहुँच गए वापस ड्यूटी से, अभी बज रहे हैं ऑलमोस्ट 10 बजे। तो सुबह 10 बजे और अभी 10 बजे, 12 घंटा हो गया मुझे। और ये क्या बोलते हैं, बहुत थक गया हूँ, भूख भी बहुत ज़्यादा लगा क्योंकि मैंने लंच नहीं किया था हैवी ब्रेकफास्ट करने की वजह से। तो इस वजह से मैंने शाम को कॉफ़ी तक भी नहीं पिया था। तो अभी मैं ब्लैक कॉफ़ी बना के पीऊँगी क्योंकि मेरा दूध जो रखा था वो ऑफकोर्स ख़राब हो गया है, और अब मुझे खाना भी बनाना पड़ेगा। बट मैं तो सिंपल ही बना के खाऊँगी जो जल्दी कुक भी हो जाए, बैम्बू सूट। और जब बैम्बू सूट का नाम सुनता हूँ ना, मुझे भूख लगने लग जाता है ऑटोमेटिक, ज़्यादा ज़्यादा। सो बैम्बू सूट और राइस और चटनी, क्योंकि अंडा नहीं मिला था, बहुत लेट भी हो गए तो इस वजह से दुकान बंद हो गया था। तो आज ऑमलेट नहीं खा पाऊँगी मैं, सो नो वरी, कल मैं लेके आ जाऊँगी अगर कल मुझे लेट नहीं हुआ तो। सो गाइस, मुझे मैं ड्रेस चेंज भी नहीं किया हुआ है, जैसे आया है। मेरे बैटरी भी बहुत ज़्यादा कम हो गया था फ़ोन का, मैंने तो चार्ज पे लगाया हुआ है। तो मैंने सोचा कि मैं ब्लॉग एंड करने के लिए मैं लगा के बना ही लेता हूँ थोड़ा, तो इसलिए मैंने यहीं पे बैठ के स्टार्ट कर दिया। सो गाइस, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करना, कुछ कमी लगता है उसमें प्लीज़ उसके लिए कमेंट्स करना कि इस चीज़ में कमी है, इस चीज़ में आपको मतलब फोकस करना चाहिए और उस चीज़ को करेक्शन करना चाहिए, ऐसे आप कमेंट्स कर सकते हैं, आप सजेशन कर सकते हैं मुझे कमेंट्स करके। तो और आपको मेरा डेली ब्लॉग बहुत अच्छा लगता है और आप मुझे रेगुलर देखना चाहते हैं तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस। अभी तो मेरा फ़िलहाल बहुत कम सब्सक्राइबर्स है क्योंकि मैं वीडियो भी बहुत कम बनाती हूँ, बिल्कुल आई मीन वीक में 1 टाइम और मंथली 1 टाइम समथिंग, डिपेंड करता है कि मूड के ऊपर कि बनाऊँ या ना बनाऊँ और मैं बनाने का मूड में हूँ या नहीं। तो इस तरह से मैं बहुत कम वीडियोस बनाती हूँ और सब्सक्राइबर भी मेरा कम है और व्यूवर्स भी कम है। सो इसलिए आप लोग हेल्प करना मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने में, लाइक्स करने में, और उसमें कुछ कमी हो तो मुझे सजेशन कीजिए कमेंट्स में कि मुझे किस चीज़ को करेक्शन करना है और व्हाटएवर इट इज़। मैं बहुत लंबा बोल रही हूँ। चलो थैंक यू सो मच गाइस। मैं अब ड्रेस चेंज करके डिनर बना के अपने लिए ब्लैक कॉफ़ी बनाऊँगी थोड़ा एनर्जी आने के लिए, देन उसके बाद फिर देखता हूँ क्योंकि अभी एंड ऑफ द मंथ चल रहा है तो थोड़ा काम पेंडिंग रहता है, तो काम भी करूँगी मैं। सो गाइस, गुड नाइट एंड सी यू टुमारो अगेन।